इधर तो कोई हमने बाबा जी होंगे तो बाबा जी से बात कर लूँ आप, क्योंकि बाबा जी थे नहीं तो इनने बुलाया हमें, तो हम आए तो इनने पूछा क्यों भाई इसमें प्रस्तावित हुआ क्या, प्रस्ताव डाला हमें, प्रस्ताव मिला चर्चा बताया कि जी मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा है, ये प्रसाद में जो ज़्यादा अलग अलग लोगों ने बनाए बढ़िया टाइप की है, समझ लीजिए एक छत बन के इसकी हो रही है। तो मतलब इसमें आप लोगों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है ना जीर्णोद्धार की जरूरत हो? नहीं, रोक टोक कोई नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, नहीं इनको किसी ने कह दिया कि जी मीडिया वालों को इनने बुलवाया और जी विरोध अच्छा, कर रहे हैं आपस में विवाद खड़ा हो गया। हाँ तो फिर आज की घटना जो हुई है, जो हुई है आपके साथ क्या हुआ, जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो रही है उसके पीछे का आप स्पष्ट रूप से बता दें, क्योंकि आप मंदिर में बैठे हैं जी, आप बिल्कुल स्पष्ट बताएं, यहाँ किसी से कोई भी चीज़ की डरने की बातचीत नहीं होती है, अब बताएं जो भी आपके साथ घटना है। तो हम दर्शन करने मंदिर में आए, दर्शन किए और एक दूसरे मंदिर में दर्शन करके निकल रहे थे, जब तक महंत जी ने कहे क्यों भाई तुमने बोया था निकलवाया, पकड़ के दो तीन चांटे मारे फिर हमें खंभे से बांध दिया, फिर जो और थे जो पाँच सात लोग उन्हें कुछ डंडों से कुछ लपाड़ा वगैरह। तो वो कौन थे जो ने मारा आपको? डंडे तो मारो मेरे साथ, अब आठ दस लोगों ने की, बाबा जी ने भी की, इन बाबा जी ने भी की, आपको मारा जी बांध के पर खंबे से बांध दिया। किस बात पर से मारा? इसी पेपर बाजी से, इनको थक हो गया कि पेपर बाजी ने करवाई, मीडिया को इनने बुलवाया, जबकि हमें मीडिया को हमने बुलवाया, हम घर थे। आपने आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ जी उसके लिए नियम कानून होते हैं क्या, अब आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे पुलिस में शिकायत करेंगे क्योंकि आपके साथ जो घटना हुई है? तो पुलिस में शिकायत करेंगे तो और मारपीट होगी, मतलब यानी कुल मिला के ये सब चीज़ें ऐसी स्थिति होंगी पुलिस में, आपने स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं आप कि पुलिस में शिकायत करेंगे तो फिर मारपीट और होगी, यानी आपको डर है अभी भी है ना? तो ये डर किन चीज़ किन के द्वारा है? बहुत से लोग थे, अभी तो हम जब उधर से आए तो दर्शन अधूरे रह गए हमारे, सब लोगों ने मिल के पीछे हाथ बांध दिए, इधर भी बांध दिया, चश्मा वश्मा बिगड़ गया। कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, कुछ जो इधर उधर हैं फरारी लोग वो भी इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या ये सच है यहाँ की कोई घटना पड़ी है? अब आते होंगे कभी कभी, तो अब हमें तो मतलब उतनी हम रोज नहीं जाते, हम लोग तो जैसे कमेटी वमेटी होती है जब आते हैं, मतलब मंदिर में या दर्शन करने आए तो दर्शन करने चले गए। अच्छा अच्छा,